ये है अमेरिकन सिलिकॉन से बना हुआ एक पैच जो इस्तेमाल होता है लंबे इयर्स के लिए, या फिर जिसके होल्स बड़े हो, या फिर जिसकी जो खून के होल्स हो वो ज़्यादा लंबे हो या गिरते हुए हो। इट्स अ वेरी इजी वे जहाँ पे आपको कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। ये है कोर ईयर लोब सपोर्टर्स। देखते हैं कि इस सपोर्टर्स को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। आपके सामने ऐसे कान हैं। अब हम आपको दिखाते हैं मेडिकल ग्रेडेड कोर ईयर लोब सपोर्टर। अगर आप इसको खोले तो आपको दिखेगा कि इसके अंदर एक छोटा सा पैच है जिसके अंदर 10 स्टिकर्स बने हुए हैं। ये छोटे छोटे स्टिकर्स अमेरिकन सिलिकॉन से बने हुए हैं जो आपकी स्किन के लिए बहुत सेफ और बिना हानि वाले हैं। आप एक स्टिकर को पहले खोलिए, उस स्टिकर को अपने एंड से पकड़िएगा ताकि उसका जो गम है वो जाए ना। अब आपको दिख रहा है ये स्टिकर एक पतला सा स्टिकर है जो आपके कान के पीछे लगे तो किसी को दिखे भी नहीं। अब आपको आफ्टर यू क्लीन द ईयर, पहले कान को साफ करिएगा, साफ करने के बाद जहां आपका बड़ा होल है वहां पे एग्जैक्टली उसके पीछे देख के जज करके चिपका दीजिएगा। परफेक्ट। अब जब ये चिपका, अगर आप देख सकते हैं कि वो पीछे की होल की तरफ आराम से चिपक गया है और जो होल था वो उस पे कवर हो गया है। अब हम कोई भी ईयरिंग आप ले सकते हैं, वेदर इट इज स्टड्स, ईयर ड्रॉप्स, आपकी रिंग्स हो, आपको जो चाहिए, स्पेसिफिकली फॉर लेडीज एंड फॉर ब्राइड्स। तो देखिए फटाफट उसके अंदर वो घुस गया, होल के अंदर डालिएगा और स्टिकर से उसको पार करवाइएगा। ईयर लॉब सपोर्टर की वजह से आपके ईयरिंग एग्जैक्टली उस पोजीशन पे ही रहेंगे। तो देखिए अब वो अपनी जगह पे ही है एंड वो गिरता हुआ नहीं है। बहुत आसान और बहुत सिंपल सा तरीका है ये। सो अगर हम आपको दिखाएं बिफोर एंड आफ्टर कैसे इसका इस्तेमाल होता है तो ये है आपके सामने। तो पहले आपके कान लंबे होते हैं और जैसे ही आपने सपोर्टर डाल दिया वो अपने पोजीशन पे वापस आ जाता है। बहुत आसान और सिंपल सा तरीका। थैंक यू।